खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। रहेटी प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती नववर्ष के अवसर पर सोमवार को बिजासन धाम सलकनपुर पहुंची। यहां पर उन्होंने विधि विधान से माता बिजासन की पूजा अर्चना कर दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। पूर्व मुख्यमंत्री समय समय पर सलकनपुर आकर माँ बिजासन के दर्शन करती रही है। माँ बिजासन के दर्शन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा में कहा कि सलकनपुर धाम पर माँ बिजासन के दर्शन के लिए पहुंची थी। उनकी माँ बिजासन में गहरी आस्था भी है। यहाँ बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती इस समय शराबबंदी को लेकर मोर्चा खोले हुए है। वे लगातार मांग उठा रही है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी हो। दीदी आप क्या कहना चाहेंगी माता के दरबार में? मैं चाहूंगी कि मैं तो कल ही आना चाहती थी लेकिन प्रोग्राम में ऐसा बना हुआ था कि आ नहीं सकती थी, तो इसलिए ग्रहण के बाद यहाँ आई थी। माँ की कृपा से सब कुशल मंगल रहा, तो इसलिए माँ को धन्यवाद दे रही हूँ। सहयोग देखिए कि जब जा रही थी तो दक्षिण दिशा की ओर जा रही थी, तो दक्षिण दिशा से आ रही हूँ। माँ का बहुत व्यवस्थित स्थान बना है और दूर से देखने में बहुत सुंदर लगता है। आज बहुत दूर से इसकी छटा देख रही थी, बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत व्यवस्थित है। दीदी आपने माता बिजासन के दर्शन किया, क्या कामना की है आज? मैं हर एक जगह पर एक ही कामना करती हूँ, मेरे जीवन का एक भी पल व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हर जीवन का हर पल सार्थक होना चाहिए, मानवता की सेवा में लगना चाहिए। आप सबको मीडिया वालों को भी शुभकामनाएं। रैटी से खबर समय जगत के लिए बलराम सिसोदिया की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.